मोगा पुलिस ने लूट मर्डर डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले दो लुटेरे 9 मोटरसाइकिल 40,000 नगद व 530 ग्राम नशीला पाउडर के साथ किया गिरफ्तार। मोगा के थाना चौड़क पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान शक के आधार पर मोटरसाइकिल चालक को रोका और जिस पर दो युवक सवार थे और जांच में मोटरसाइकिल चोरी का पाया गया। इन दोनों से आगे की जांच में टोटल 9 मोटरसाइकिल 40,000 नगद व 530 ग्राम नशीला पाउडर, दो इन्वर्टर लोहे के काटने वाला कटर, दो गैस सिलेंडर व एक हथकड़ी के साथ किया गिरफ्तार। और जांच में ये भी सामने आया कि इन आरोपियों द्वारा मोगा के सिविल हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में से एक एनडीपीसी एक्ट के आरोपी को भी भगाया गया था और गांव सिंगावाला में 1,10,000 की लूट भी की गई थी जिसमें से 40,000 की बरामदी हो गई है। मोगा से बिट्टू पुरबा। 6/16 एक अंडर ट्रायल अक्यूज सी जो सिविल हॉस्पिटल मोगा दाखिल सी, उन दो बंदे जिहड़े सी ओह भजा के लै गए सी, वह दोनों जिहड़े ने गिरफ्तार कर ले और जिहड़ा तीसरा सी थोड़ा चिर होया जिन्हों भजा के लैके गए सी उन्हों भी गिरफ़्तार कर लिया और जिहड़ी वह हथकड़ी नाल भज्जिया सी वह भी जिहड़ी आ बरामद हो गई। इस तों इलावा ये जिहड़े बंदे सी तिन्ने ही ये माणू के एक मर्डर होया सी उहदे विच सानू तीन बंदे जिहड़े सी ये वांटड सी। अगे पुछगिछ ते एक 11वें महीने 1,10,000 की खोह हुई सी बागे पुराने तो एक आ रहा सी कपड़े की दुकान का जो आप करिंदा हुंदा वो करके आ रहा सी कलैक्शन उहदे तो 1,10,000 रुपया खोह के लै गए सी। वो वारदात भी ट्रेस हो गई जिदे 40,000 रुपया रिकवर हो गया। इस तों इलावा पुछगिछ ते इन्हां तों 9 मोटरसाइकिल, 2 इनवर्टर विद बैटरी, 2 सिलेंडर, 1 कटर ते 530 ग्राम जिहड़ा नशीला पाउडर बरामद होया। अगे पुछगिछ की जा रही आ, होर भी इंकशाफ होने की उम्मीद है।